और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जीडी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी गई। देखिए जेडीसी मंजू राजपाल सहित अन्य अधिकारियों को जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई। जीडी के तहसीलदार अनिरुद्ध देव पांडे की शिकायत पर शिप्रापत थाने में मामला दर्ज हुआ। सांगानेर निवासी शंकरलाल शर्मा के नामक युवक के खिलाफ शिकायत यहां पर दी गई है और जीडी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने और राजकार्य में बाधा डालने का यहां पर आरोप लगाया। देखिए 19 सितंबर 2023 को भी शंकरलाल ने खुद पर केमिकल डाल लिया था और आत्मदाह का प्रयास किया था। शिप्रापत थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। राजकार्य में बाधा डालने का भी आरोप यहां पर लगाया गया, शिकायत यहां पर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे इस वक्त की, जीडी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी यहां पर दी गई, डिजिटल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई है। देखिए जीडीसी मंजू राजपाल सहित अन्य अधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी। जीडी के तहसीलदार अनिरुद्ध देव पांडे की शिकायत पर शिप्रापत थाने में मामले को दर्ज कर लिया गया है। सागरी निवासी शंकरलाल शर्मा नामक युवक के खिलाफ शिकायत यहां पर दी गई है और जीडी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने और राजकार्य में बाधा डालने का आरोप यहां पर लगाया गया। अधिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव बने। अभिषेक विस्तार से जरा जानकारी दीजिए, क्योंकि जीडी के अधिकारियों को जान से मारने की धमकी देने का मामला यहाँ पर सामने आया। बिल्कुल इंदु, ये जो धमकी दी गई है ये डिजिटल मीडिया या दूरभाष के, जैसा कि जेडी ने जो दल मामला किया उसमें उल्लेख किया है इस बात का कि जो जेडी आयुक्त है, जेडी सचिव है और उस जो पृथ्वीराज नगर दक्षिण के जोन के जो डीसी हैं और जो तहसीलदार है, अन्य कार्मिक है, उन सभी को जान से मारने की धमकी दी गई थी और ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी दी गई थी। तो ऑन रिकॉर्ड जब ये धमकी इस तरह से मिलने लगी तो उसके बाद जेडीए ने मामला दर्ज कराया है और जो ये जो शंकरलाल शर्मा है, जो मामला दर्ज जेडीए ने कराया उसमें ये भी उल्लेख किया है कि 19 सितंबर 2023 को बाहुबली नगर योजना का नियमन शिविर जेडीए की ओर से लगाया गया था। तो उस नियमन शिविर के विरोध में ये जो शंकरलाल शर्मा है उन्होंने जेडीए कार्मिकों के साथ मारपीट की और खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को जलाने की, मतलब आत्मदाह करने की कोशिश करी। तो ये मामले का उल्लेख किया गया और ये कहा गया है कि ये संगीन अपराधी है तो उसके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे शिकायत भी दे दी गई जिसके आधार पर जांच फिलहाल जारी है।